बड़ी खबर है, कांग्रेस के बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान का इंतजार किया जा रहा है और राजस्थान के बाकी 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। इसलिए धड़कनें तेज हो चली हैं उम्मीदवारों की, जो इस उम्मीद में कि उनका नाम फाइनल हो सकता है। और आखिरी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में केवल एक ही नाम पर सहमति बनी थी। वर्चुअल हुई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में बाड़मेर को छोड़कर सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं बाड़मेर में आरएलपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए केवल उम्मीदवार राम के नाम पर सहमति बनी थी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता का मानना था कि पहले बीजेपी के लिस्ट का करना चाहिए था इंतजार, तो इसके ठीक बाद हो गया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। वहीं कांग्रेस के आज हो रही सीडब्ल्यूसी की बैठक में राजस्थान को नहीं निमंत्रण, और राजस्थान के चुनाव है पहले और दूसरे फेज में। लोकसभा चुनाव का पहला फेज के लिए 19 अप्रैल जब मतदान होगा, फिर दूसरा फेज जब नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि है 27 मार्च। ऐसे में कांग्रेस को जल्द स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीसी की बैठक कर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना होगा। और एक बार फिर कांग्रेस में सब कुछ हो रहा है अंतिम समय पर। ऐसे में प्रत्याशियों को मैदान में ठीक से चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं मिल पाएगा, और ये पहले भी हो चुका है, इसीलिए इस बात की टेंशन बढ़ती जा रही है प्रत्याशियों में। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है और एआईसीसी में थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। जयराम रमेश समेत कई नेता एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और चुनावी घोषणा पत्र पर सीडब्ल्यूसी की मुहर लगेगी। अन्य कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। ये भी इसमें कवायद लगातार चल रही है, क्योंकि कई और अहम प्रस्ताव है उस पर भी मुहर लग जाएगी, वो भी पारित हो जाएंगे। लेकिन कई और तरीके के मुद्दे उस पर भी डिस्कशन होना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो बाकी 25 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर नामों को लेकर अंतिम मुहर लग जाएगी। क्योंकि अगर सही समय पर नाम फाइनल नहीं होते हैं तो फिर सभी प्रत्याशियों को जो उम्मीदवार है जो फाइनल कर लिए जाएंगे, जिन्हें टिकट मिल जाएगी, उन्हें प्रचार प्रसार का पूरा मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी इसकी। आईसीसी में जयराम रमेश पहुंच चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, इंतजार उनका। और ऐसे में सभी मेंबर्स अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं एआईसीसी मुख्यालय में। महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन होना है, बाकी बचे सीटों पर डिस्कशन होना है, अंतिम मुहर लगेगी और बहुत जल्द वो नाम डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे, यानी कि इंतजार खत्म हो जाएगा उन नामों बाकी बची 15 सीटों को लेकर। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। और मानकर चलिए कि जैसे ही बैठक खत्म हो जाएगी तो काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा कि किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है बाकी बची सीटों को लेकर। तो राजस्थान के लिहाज से यह भी माना जा रहा है कि अगर सही समय पर नाम फाइनल नहीं होते तो फिर प्रत्याशियों की धड़कनें इसलिए तेज कि उन्हें प्रचार प्रसार का पूरा मौका नहीं मिल पाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से। अदिति, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बैठक है, इंतजार किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कितनी देर में वो पहुंचेंगे? क्योंकि एआईसीसी मुख्यालय में अन्य नेता के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, आज की सीसीसी बैठक में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं जुड़ के खुद शामिल होंगे, क्योंकि उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। सोनिया गांधी पहुंच गई है, दिग्विजय सिंह ने, हेमंत कुमार, अविनाश पांडे, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले सीडब्ल्यूसी और उसके बाद सीईसी की बैठक होने वाली है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे, इससे ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं। और आज भी कई राज्यों पर इसमें चर्चा की जाएगी, कई राज्यों की बैठक इसमें की जाएगी। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सन्नी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि जो पहला 19 अप्रैल को चुनाव है, उसके नोटिफिकेशन 28-27 तारीख से अभी शुरू हो जाएंगे, 27-28 तारीख से जो है उनकी आखिरी डेट भी आ जाएगी। तो अब जल्द से जल्द राज्यों के सीटों को चयन भी करना है, जल्द से जल्द उनके नाम फाइनल करने हैं, काम बहुत सारा है। ठीक वैसे ही जैसे कल रात को राजस्थान की कोर ग्रुप और सही अन्य राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी में हुई, आज भी कई कोर ग्रुप की बैठक है और फिर कल चुनाव समिति की बैठक होनी है। लेकिन कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी आ रही है कि राजस्थान को लेकर आज सीईसी की बैठक में, यानी चुनाव समिति की बैठक में कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि केवल जब पिछली बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी केवल एक ही नाम क्लियर हुआ था, जो हाल ही में ज्वाइन हुए हैं बाड़मेर से, जिनको ज्वाइन कराया गया था। लेकिन उसके अलावा कोई भी नाम अभी फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में आज क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव भी पहले ही फेज में,
आपको बता दें कि लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। भवन जितेंद्र सिंह पहुंच गए, पर्पल रेंका गांधी, कुमारी शैलजा, मृदा कुमार दुबासनिक और अम्बिका सोनी भी यहाँ पर पहुंच गए। चलिए ठीक है, यानी कि मान के चले कि जो काउंटडाउन की हम बात कर रहे हैं वो इस बैठकों के बाद शुरू हो जाएगा। अदिति चलिए आगे भी जानकारी अदिति से लेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक, फिर सीईसी की बैठक और मानकर चलिए कि अंतिम मुहर लग जाएगी उन बाकी बची सीटों पर। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बाकी बचे राज्य भी जिन पर अभी प्रत्याशियों को घोषित करना है, उन उम्मीदवारों को घोषित करना है और बाकी जो इस उम्मीद में कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा उनकी धड़कने तेज है, क्योंकि 27 मार्च आखिरी तारीख नामांकन दाखिल करने की और ऐसे में प्रचार प्रसार करने का ज्यादा वक्त नहीं होगा। और राजस्थान की बात करें तो दो फेज में चुनाव होने जा रहे हैं और इसलिए कोशिश इस बात को लेकर कांग्रेस को करनी चाहिए कि सही समय पर नाम फाइनल कर लिए जाएं ताकि प्रचार प्रसार का पूरा मौका मिल पाए। फिलहाल सोनिया गांधी आईसीसी मुख्यालय में मौजूद रहेंगी इस बैठक के दौरान और राहुल गांधी जो कि वर्चुअली जुड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब वो खुद पहुंचेंगे एआईसीसी मुख्यालय में और सीधी बातचीत होगी, फीडबैक लिया जाएगा। और सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, सोनिया गांधी एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुकी है, जयराम रमेश पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और ये जानकारी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी।